स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल में आगे बढ़ते हैं और यहाँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेगा और इससे रिलेटेड जो केमिकल प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग का स्पेशली वो रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेशन है। हेलो एल्केन हेलोइन में भी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX के साथ में, याद करो आप वहां पढ़े थे हम लोग व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड HX इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, H2 होगा। अब ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो हैलोजन के प्रिपरेशन में आया था, उसी जगह पर एक पॉइंट और आया था जो यहां फिर डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सपोज CH3OH और प्लस HCl इनका रिएक्शन कराते हैं अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl प्लस H2O। किसी का भी करा सकते हो, जैसे अगर CH3 और ये OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट विल गिव CH3CH3CH3CL और प्लस H2O। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को कलेक्टिवली लुकास रिएजेंट कहा जाता है और ये लुकास रिएजेंट यूज किया जाता है नेचर ऑफ अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ध्यान से समझो यहां पर, नेचर ऑफ अल्कोहल यानी कि अगर अल्कोहल दिया हुआ है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो हम लोग लुकास रिएजेंट यानी कि HCl विद अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे फास्ट रिएक्टिविटी होता है टर्शियरी का, इससे कम होता है सेकेंडरी का और इससे कम होगा प्राइमरी का। यानी अगर कोई टेस्ट ट्यूब में किसी एपरेटस में अल्कोहल दिया हुआ है ABC करके दिया हुआ है तो आप सब में लुकास रिएजेंट डाले, लुकास रिएजेंट डालते ही अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है, सॉल्यूशन धुंधला हो जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो टर्शियरी अल्कोहल है। कुछ समय के बाद में टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और जो रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, जहां आपको हीट करना पड़ता है, वो प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी। अब ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करने का रेट अलग अलग है, इसका क्या मतलब, टर्शियरी तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो हाईली रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है सेकेंडरी और सबसे कम रिएक्टिव हो गया प्राइमरी। टर्बिडिटी क्यों प्रोड्यूस होता है, लुकास रिएजेंट भी कलरलेस है, अल्कोहल भी कलरलेस होता है, लेकिन जब ये कंबाइन कर अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं विद वाटर, ये अल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी इनके फॉर्मेशन की वजह से ही टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल आप लोगे तो यहां तुरंत बनेगा अल्काइल हैलाइड, तो तुरंत सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो कुछ देर के बाद अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस होने में वहां पर टाइम लगेगा। तो इस अनुसार से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट द गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये आपको टेस्ट में भी मिलेगा, डिफरेंस में भी आप लिख सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफरेंशिएट करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएट करना है, तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहां पर इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन तो आपका वही पहले वाला, इसको नोट कर लोगे और बाकी पीडीएफ में नोट में लिखवाए हैं कि क्यों टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स रिलेटेड,
ये भी रिपीट हो रहा है। बोर्ड पर दिख रहा है आपको फास्फोरस ट्राइग्लाइड, हेलोल्केन के प्रिपरेशन में ये पार्ट आया था, याद करो वहां हम लोग पढ़े थे व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस ट्राइग्लाइड PX3 इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हेलोल्केन एंड H3PO3 इसका फॉर्मेशन हुआ था। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पर 3 डालेंगे, यहां भी 3 होगा और H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। अब X की जगह पर जो भी ले जैसे CH3OH इनका रिएक्शन करा रहे हैं तो क्लोरीन के साथ अगर कराना है तो हम लोग PCl3 लिए थे और यहां बना था CH3Cl और प्लस H3PO3 ये बाय प्रोडक्ट बना था। क्योंकि आप यहां पे नहीं दे रहे हैं रिएक्टेंट इसलिए बैलेंस करने के लिए 2-3 मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। फिर याद करो आप PBr3 और PI3 के लिए हम लोग रेड फास्फोरस का ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन कराए थे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं रेड फास्फोरस प्लस Br2 तो यहां बाय प्रोडक्ट बन जाएगा H3PO3 और मेजर प्रोडक्ट ब्रोमाइड आ जाएगा। वहीं अगर आयोडीन के साथ में बनाना है तो रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन लेंगे तो आयोडोवल्केन बना था CH3I और प्लस H3PO3 ये सारा पार्ट रिपीट हो रहा है। अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद आ रहा होगा, आपने जो समराइज पार्ट लिखा है उसको पलट करके देखिए वही पोर्शन यहाँ है और पहले ही हम आपको बताए थे कि फर्स्ट चैप्टर में जितना आपको मेहनत करना पड़ रहा है उसके बाद वाले चैप्टर में उतना ही कम पड़ेगा और जैसे जैसे आप आगे की तरफ में बढ़ोगे आपके लिए आसान होता जाएगा। जैसे अभी आप फील कर रहे होंगे फिर याद कीजिए आप PCl5 का PBr5 और PI5 ये अनस्टेबल होता है क्योंकि क्लोरीन के कंपोजिशन में ब्रोमीन और आयोडीन के एटम का साइज बड़ा है तो वहां जब उसके पेंटा हैलाइड को बनाते हैं तो स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होता है तो वो अनस्टेबल बना देता है मॉलिक्यूल को। तो अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम ऐसे करा रहे हैं PCl5 के साथ तब इस कंडीशन में फॉर्मेशन करेगा C2H5Cl और बाय प्रोडक्ट यहां डिफर कर जाता है, इस जगह पर बाय प्रोडक्ट बना था POCl3 और प्लस HCl। तब ये रिएक्शन तो 3 बार रिपीट हो रहा है, पी ब्लॉक में भी पड़े थे वहां पर भी आया था, ऑर्गेनिक में भी आया था, ग्रुप 15 में पढ़ना था हम लोग को PCl3 और PCl5 तो वहां पर भी ये रिएक्शन लिखा हुआ था, ये तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक और था, एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि उसे भी आप ध्यान में रखो, रिएक्शन विद थायमिन प्रोडक्ट SOCl2 ये याद होगा आपको क्योंकि उस जगह पर हम लोग नोट में लिखे थे कि द मेथड इज प्रीफर्ड बिकॉज द फॉर्म बाय प्रोडक्टिंग गैस इज स्टेक, तो उसको भी लिख लेते हैं। यानी यहां पर याद आएगा रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड SOCl2 और यहां हम लोग पढ़े थे कि विद अल्कोहल ROH इज ट्रीटेड विद थायोनील क्लोराइड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोल्केन एंड फॉर्म बाय प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं क्योंकि अगर एसिड बोलोगे तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा तब वो लिक्विड फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं तो गैसेस फॉर्म में। तो इस मेथड को प्रीफर किया गया क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर चले गए। एक एग्जांपल ले लो आप, अगर C2H5OH है और इनका रिएक्शन करा के SOCl2 के साथ देयर इज रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cl प्लस SO2 एंड प्लस HCl, तो ये केमिकल रिएक्शन था जहां पर हम लोग हेलोल्केन हेलोरिन में पढ़ चुके थे उसी का रिपीटेशन था यहां पर। तो इन सब को आप टर्म फिर से हम डिफाइन कर दिए हैं, डिफिनेशन लिखा हुआ है PDF में, इक्वेशन सिर्फ आपको लिखना है और हमें नहीं लगता है कि वीडियो में आपको बार बार आना पड़ेगा, ये तो रिपीट हो रहा है। जहां PDF आप नोट करें वहां पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनको कॉपी कर लीजिएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो गलत लिखने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को देख करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन।
डी का मतलब रिमूवल हाइड्रेशन यानी कि वाटर, वाटर बाहर निकलना। तो अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, अल्कोहल जैसे यहां एच एच, यहां एच एक जगह पर हाइड्रोजन और दूसरी जगह पर ओएच यानी इथेनॉल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। अल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल बनता है जब प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और वहीं अगर अल्कोहल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लेके, तो यहां वाटर बाहर निकलता है एच प्लस ओएच, यहां से वाटर बाहर निकला एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच और प्लस एच टू। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे कि मैकेनिज्म तीनों का हम लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों सेम पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि वाटर बाहर निकाल देना है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है और इनका आप डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन, तो यहां से OH निकलेगा अल्फा से और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो फॉर्मेशन कर लिया प्रोटीन का यानी CH3CH डबल बॉन्ड और CH2, साथ में बाय प्रोडक्ट H2 यहां लिख सकते हो आप H2। फिर याद करो ऐसे ही कुछ था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हैलोन के, वहां भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। व्हेन हैलोल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड और अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन था, वो भी आप बनाए थे, और वहीं पर एक रूल आया था जेक्सेव रूल या सेटजेफ रूल भी बोलते हैं, कि अगर दो बीटा कार्बन एटम हो विद बीटा हाइड्रोजन एटम, तो वहां पर उस अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट मानेंगे जिसके साथ में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच्ड हो। वही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा, जैसे अगर इस कंपाउंड को ले लें हम लोग CH2 CH OH और ये CH3 और इनका इलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, H2O बाहर निकलेगा, यहां भी आप माइनस H2O कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो OH जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो अल्फा, ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया, अगर इस बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 यानी ब्यूच टू इन, और अगर यहां से आप रिमूव करते हैं तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। तो सेटजेफ रूल अप्लाई कर रहे हैं, देखो यहां इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ में यहां दो दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहां इसके साथ में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, तब उस कंडीशन में ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और जनरली हम लोग इक्वेशन में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ही लिखते हैं, यानी कि ब्यूट वन इन की जगह पर हम लोगों को ब्यूट टू इन लिखना चाहिए। तो ये अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन से रिलेटेड था, इसके इक्वेशन को आप इसी तरीके से नोट कर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ बताया जाता है कि अगर हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल में कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यानी कि इसे आप डीहाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हो, और 11th का रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट दिमाग में होगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये अल्कोहल कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड कहा जाता है अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लगा हो, इसे अल्डिहाइड कहा जाता है, और अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप लगा हो तो इन्हें कीटोन कहा जाता है। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, यह डिपेंड करता है कि कौन सा अल्कोहल लिया गया है। बिल्कुल एकदम एक बिना से ध्यान से समझोगे इसको, पहले ही बताता है कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं
जैसे RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यानी कि नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करते हैं तो ये सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड यानी RCHO, और फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इन कार्बोक्जिलिक एसिड RC OH, इसमें ऑक्सीडाइज होगा। जैसे अगर आप ले रहे हैं CH3CH2OH, इथेनॉल है, अल्कोहल है, इथेनॉल नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, KNO4 है, K2Cr2O7 है, क्रोमिक एनहाइड्राइड है, CrO3 है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं इन्हें एल्डिहाइड में, तो पहले ये बन जाएगा CH3CHO, इसका नाम हो गया इथेनॉल एल्डिहाइड, और फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन टर्म आएगा तो वहां ध्यान रखना होगा, एल्डिहाइड फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हैलोल के भी कुछ जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन आया था, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम अल्कोहल बना दें तो उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर अल्कोहल को डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH2OH लाइक एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्लोराइड K2Cr2O7, ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है यानी CH3COOH में। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली कन्वर्ट द प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइड तक ही हो, एल्डिहाइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करे, तो वहां पर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं CH3CH2OH, और यहां माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC कहा जाता है। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट ये कंपाउंड है, इनका यूज करते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो आपको बनाना क्या है इस पर डिपेंड करता है। CrO3 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल पहले कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC लेते हैं तो ये कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये सब प्राइमरी अल्कोहल से रिलेटेड था। वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे देखो ये OH और फिर ये CH3 प्रोपेन 2 और ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है, और इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं, और वही नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनहाइड्राइड्स CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड इनको यूज करेंगे, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन यानी CH3C OH और CH3। तो याद क्या क्या रखना है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना, इसे एसीटोन कहते हैं और इसी को प्रोपेनोन भी कहा जाता है, IUPAC में इसको प्रोपेनोन कहते हैं। टर्शियरी अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, वो इसमें कन्वर्ट नहीं करता है। एक और ऑक्सीडेशन का मेथड है, कॉपर के साथ हीट करते हैं एट 573 केल्विन। ये सारा इक्वेशन आप नोट करोगे, जहां पर PDF में दिया हुआ रहेगा उस जगह पर आप नोट करोगे। इन्हें हम लोग कॉपर के साथ में भी हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वहां भी वही कंसेप्ट दिया हुआ है, जैसे CH3CH2OH, ये एग्जांपल हो गया प्राइमरी अल्कोहल का। जब इसे हम लोग हीट करते हैं कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड यानी CH3CHO। अगर सेकेंडरी अल्कोहल रहा CH OH और ये CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ये कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा।
और वही अगर टर्शियरी अल्कोहल रहा जैसे CH3, यहां भी लिख सकते हो टर्शियरी किसी भी जगह पर, या इधर भी लिख सकते हैं आप, यहां अगर OH लिख दिए जैसे इसमें लिखे हैं तो भी टर्शियरी का मतलब अल्फा कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ CH3, और इनका रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, यानी इस जगह से OH और बगल से H निकलेगा और ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा CH3 डबल बॉन्ड और ये CH2, यानी अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो ये इस तरीके से अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर कंप्लीट हुआ। इतना सारा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को अल्कोहल से रिलेटेड पढ़ना था। अब इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी है फिनोल का। तो इसमें हम फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम लोग हेलोरिन का पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है। यहां पर फिर से एक बार रिवर्जन स्ट्रक्चर देखो, जैसे हेलोरिन का बनाया था वैसे ही हम लोग फिनोल का भी रिवर्जन स्ट्रक्चर बनाएंगे, और बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई करेगा। बेंजीन के साथ में यहां एक OH ग्रुप लगा है और ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर के पास, जैसे वहां हाइड्रोजन लगा हुआ था हेलोरिन में, फर्स्ट स्टेप में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, तो जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। याद करो अगले स्टेप में यहां बन जाएगा OH, जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह पर डबल बॉन्ड, फिर ऑर्थो पोजीशन पर इस बॉन्ड के शिफ्ट करने की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां माइनस चार्ज, यहां वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा और वन पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड पारा पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में फिर इनका रिवर्जन स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा OH यहां प्लस चार्ज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग हुआ, यहां डबल बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और ये पहले का डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट पोजीशन पर शिफ्ट करेगा और ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट करेगा, यानी यहां फिर आ जाएगा ये OH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और इस ऑर्थो पोजीशन पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस। अब अगले स्टेप में ये फिर यहां बनेगा और ये इस जगह पर, यानी कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच करेगा ये OH, अब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब ये रिवर्जन स्ट्रक्चर फिनोल का बिल्कुल हेलोरिन के जैसा है, और अमाइन का हम लोग देखेंगे अमीनोबेंजीन का, तो बिल्कुल वहां पर भी इसी तरीके से होगा। और पहले भी आपको बताया थे पिछले क्लास में, जब पिछले क्लास कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग हेलोरिन पढ़ रहे थे, तो बताए इतनी बार भी ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर रिपीट होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहां से देखो दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी, यानी ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पारा पर भी, यानी कि ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर OH ग्रुप हैलोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो कुछ एक कंडीशन जहां हैलोजन के केस में हमें एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ता था, इन द एब्सेंस ऑफ दैट कंडीशन भी यहां रिएक्शन होता है। और जहां उस जगह पर मोनो डेरिवेटिव बनते थे या तो ऑर्थो पर या पारा पर जुड़ते थे, फिनोल भी इस रिएक्टिव OH ग्रुप की जगह से इन तीनों पोजीशन पर भी जुड़ जाएंगे, यानी ऑर्थो पर भी जुड़ेगा, पारा पर भी और इस ऑर्थो पर भी, उस केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बताते हैं। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले नाइट्रेशन आएगा, रिएक्टर नाइट्रेशन के लिए नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है, तो फिनोल का जब रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3, तब उस कंडीशन में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा और नाइट्रो ग्रुप दो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करते हैं, मोनो नाइट्रेशन होगा, एक यहां बनेगा NO2
यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहा जाएगा, और दूसरा बनता है पारा नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ये नाइट्रो ग्रुप यहां जुड़ जाएगा, NO2 पर जुड़ेगा पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो के रिस्पेक्ट में पारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में काम करेगा, यहां ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। वहीं इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जगह पर अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो पहले ही बताए थे कि फिनॉल में OH ग्रुप लगा है जिनका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये तीनों कंडीशन में नाइट्रो ग्रुप का ऐड करेगा OH, NO2, यहां भी NO2 और इस जगह पर भी NO2, NO2 हो गया। नेमिंग अगर करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो यार गेट 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को पिक्रिक एसिड कहा जाता है, पिक्रिक एसिड कहते हैं इसे हम लोग, ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। तो कंडीशन चेंज कर दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराया तो मोनाइट्रेशन हुआ, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराया तो तीनों पोजीशन पे जुड़ा, यानी पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अगर आप बुक देखे होंगे तो वहां पर इसके मोनोनाइट्रेशन में ही एक और स्पेशल टर्म यूज हुआ है कि ऑर्थो और पारानाइट्रोफिनॉल को हम लोग इजिली सेपरेट कर सकते हैं, यानी ये दोनों बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट और दूसरा माइनर प्रोडक्ट होगा, और इन्हें हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा अलग अलग है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कम है, इसे स्टीम वोलेटाइल कहा जाता है, यानी कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा, जबकि पारानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा है। अब रीजन समझना होगा, तो इसके पीछे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। यहां ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हुआ, बोर्ड पर देखना थोड़ा सा ध्यान से, यहां बेंजीन रिंग, इस जगह पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे लिखते हैं हम, यहां ये बेंजीन रिंग, यहां OH और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। 11th क्लास में पढ़े होंगे आप, वहां से भी आप याद कर सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में सिर्फ विक वांडरवाल फोर्स लग रहा है, जबकि अगर पारानाइट्रोफिनॉल को देखें हम लोग तो पारानाइट्रोफिनॉल में यहां ये देखो, ये फिनॉल हो गया OH ग्रुप, और यहां ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहां ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल है फिनॉल का, और इस जगह पर भी ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहां ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2। अब इस जगह पर ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हो, अंदर में बन रहा हो सेम मॉलिक्यूल के अंदर में, तो वहां इंट्रा यूज करते हैं, और ये देखो ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हो तो उन्हें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, यानी यहां ये फॉर्मेशन हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वांडरवाल के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटरैक्शन ज्यादा होगा तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा है। तो पारानाइट्रोफिनॉल हैज कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाइल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल इन नेचर बिकॉज इट हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से अगर ऑर्थो और पारा दोनों बन रहे हैं तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस की वजह से, यानी कि दोनों को गर्म करें, जिनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कम है वो सबसे पहले गैस के फॉर्म में बाहर चलाएगा, यानी कि ऑर्थो बाहर चलाया और पारा जो बचा हुआ रह गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड था। तो जिस तरह से यहां नाइट्रेशन हुआ
उसी तरह से हेलोजिनेशन भी होगा। हेलोजिनेशन याद करो, बेंजीन का हेलोजन से रिएक्शन कराए थे हम लोग, और उसके डेरिवेटिव का इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक HCl थे। अगर ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो Fe3 होगा। यहां कह रहा है कि OH का रिएक्टिविटी ज्यादा है, थोड़ा सा बुक भी आप पढ़ोगे तो उस हाई रिएक्टिविटी की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ FeBr3 FeCl3 भी रिएक्शन होगा। यानी अगर फिनॉल का रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ कराते हैं, यहां ये फिनॉल है और इनका रिएक्शन करा दिए ब्रोमीन के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया गया है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो मोनोब्रोमिनेशन होगा, यानी कि ऑर्थोब्रोमो और पाराब्रोमो का फॉर्मेशन होगा। यहां ये Br हो गया और पारा डेरिवेटिव अगर देखें तो यहां ये पारा पोजीशन पर आएगा OH और इस जगह पर Br, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जिस तरह से वहां पर अगर कंसंट्रेटेड यूज किए नाइट्रेशन में तो तीनों पोजीशन पर जुड़ा, उसी तरह से यहां पर ब्रोमीन वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन को ब्रोमीन वाटर कहते हैं, यानी कि पोलर सॉल्वेंट के केस में इस जगह पर आप लिख सकते हो ब्रोमीन वाटर। तो तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का प्रेसिपिटेट बन रहा है, यह व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। तो कंडीशन चेंज कर दिए तो तीनों पोजिशन पर ही आ गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे जो यहां डिस्कस किया गया। बाकी के एडिशनल और भी हैं, साइड बुक में आप देखोगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो, और एडिशनल का कंसेप्ट वही है जैसे वहां हम लोग पढ़े थे हैलोजन के हैलोजन के केस में। तो इन दोनों इक्वेशन को आप नोट्स में लिखें। फिनॉल में केमिकल प्रॉपर्टीज में दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहां लिखे, एक है कोल्स रिएक्शन और दूसरा है रिमर टिमन रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा इसका। कोल्स रिएक्शन में देख रहे हो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है और यहां पर सैलिसिलाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों एक साथ में लिखे हैं क्योंकि दोनों में मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है। फर्क कहां पर है, इस जगह पर सी लेवल OH ग्रुप जुड़ा है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। दोनों में रिएक्टिविटी को फास्ट करने के लिए, फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए OH को NaOH से रिएक्शन कराया गया तो बना सोडियम फेनोक्साइड। यहां पर भी आप देख रहे हो NaOH से रिएक्शन कराया गया है तो फॉर्मेशन कर लिया सोडियम फेनोक्साइड से। तो इसकी वजह से जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और जो वीक होता है वो उस जगह पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिले उसको, और यहां सोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है वो नजदीक में। जैसे अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो ये बेंजीन था और इसके साथ में OH लगा हुआ था। यहां ऑर्थो पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप किया था, पारा पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप किया था, लेकिन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप कहां से किया, तो इस फिनॉल का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व हुआ, यानी कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सोर्स ये ऑक्सीजन है, तो जाहिर सा बात है ये ऑर्थो पोजीशन सोर्स के ज्यादा नजदीक में होगा इन कंपोजिट टू पारा। तो जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो उस पोजीशन पर अटैक करेगा जो सोर्स के ज्यादा नजदीक में है, यानी कि वो ऑर्थो पोजीशन की तरफ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, जरा ध्यान से देखो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है CO2। देखो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड को। अब थोड़ा सा और ध्यान, अगर मान लीजिए कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपोजिट टू कार्बन, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ में शिफ्ट करेगा तो अब यहां पर ये कार्बन जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर इसके ऊपर में माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर में प्लस चार्ज, और पहले से ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन रहता है और अब इसके पास में 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कार्बन हो गया, यानी कि यही उस जगह पर जाएगा जहां इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तब देखो तो जैसे ही इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर यहां जोड़ेंगे तो सी डबल बॉन्ड को O और यहां हाइड्रोजन आ गया। देखो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया। तो कोल्स रिएक्शंस में
फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 फॉरवर्ड बाय एसिडिफिकेशन। ये एसिडिफिकेशन कराया गया है ताकि ये OAB कन्वर्ट कर जाए OH में। अगर ये यहां नहीं करोगे तो यहां पहले OAB होगा उसके बाद COOH होगा, तो इसलिए 1 और 2 का मतलब हुआ सेकेंड स्टेज में एसिडिफिकेशन कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरह से यहां क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, फिर NOH के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट कर गया CHO में। अब ये ONA है, ONA को OH में कन्वर्ट करना है, एसिडिफिकेशन कराया गया, तो इसे कहा जाता है सैलिसिलडिहाइड और इन्हें कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। एक और कॉमन नेम है इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइडिहाइड कहेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से सीनियर है तो इसलिए इसका पोजीशन लिखते हैं। IUPAC नेमिंग अगर करने लगे तो ये 1 पोजीशन पर आएगा, ये 2 पोजीशन पर आएगा, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइडिहाइड। तो नेमिंग चूंकि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे इसलिए हम यहां लिख नहीं रहे हैं, इसको बनाएंगे इसके बाद बनाएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन था। पहले भी आपको हेलोल्केन में बताया था कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ में बढ़ोगे तो नेम रिएक्शन मिलता है। आपका काम रहा कि नेम रिएक्शन को एक जगह पे कलेक्ट करते जाओ। तब हेलोल्केन का जो नेम रिएक्शन था उसी में फिर ये 2 नेम रिएक्शन को और ऐड कर लीजिए, कोल्ब्स रिएक्शन और रीमर टिमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार में आपको रीमर टिमन रिएक्शन जो वो दिखाई देगा अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो, इन्हें नोट कर लेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। फिनॉल यानी कि बेंजीन के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, इनको जब हीट करते हैं जिंक के साथ में तो इनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा and it result the formation of benzene। यहाँ benzene बना और by product यहाँ निकल गया zinc oxide, ये इस form में निकलता है। अगर molecular formula देखें तो ये हो गया C6H5OH। जब इसे हम लोग zinc के साथ heat करते हैं तो zinc oxide का formation करता है, यानी कि oxygen बाहर निकल गया। तो देखो तो oxygen remove कर दिए तो 5 और 1 ये 6 hydrogen atom हो गए, तो यहां लिखेंगे हम लोग C6H6। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो इसलिए यहां कह सकते हो कि रिडक्शन हो रहा है। इसी के बाद का केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक एसिड के साथ। केमिस्ट्री लैब में क्रोमिक एसिड मिलता है और इनका प्रिपरेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ ये कंबाइन कर क्रोमिक एसिड बनाते हैं। क्रोमिक एसिड का यूज केमिस्ट्री लैब में करते हैं ग्लास एपरेटस को साफ करने के लिए, यानी वहां इस्तेमाल करते हैं। हाई कोरोसिव नेचर का होता है और ये कंजुगेटेड सिस्टम पर 2 कार्बन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें बेंजोक्विनोन कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप ये प्रोडक्ट से ध्यान में रखिए कि हाँ ये किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये इतना कुछ था अल्कोहल और फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब ये आपका काम रहा कि जैसे हेलोल्केन हेलोइन में आपको बताया था कि अल्कोहल और फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज का सॉरी हेलोल्केन हेलोइन के केमिकल प्रॉपर्टीज का समराइज फॉर्म लिखोगे, उसी तरह से यहाँ पर अल्कोहल और फिनॉल का समराइज फॉर्म लिखिएगा। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग ईथर का पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अल्कोहल एंड फिनॉल से रिलेटेड है। तो आप भी बनाइए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दें, जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीमर टिमन रिएक्शन तब ये बताने का थोड़ी जरूरत है, अभी तो रीमर टिमन रिएक्शन डिस्कस किए हैं। हाँ जो अलग क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल बताएंगे हम, जैसे हेलोल्केन हेलोइन में सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन तभी आपको क्लियर होगा, तभी आपसे बनेगा जब आप इसका समराइज पार्ट लिखे हुए हैं तो सामने में रख करके हम भी बताएंगे, तो आप सामने में रिएक्शन रखे हुए रहेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ इस तरीके का यह बताया हुआ है। तो
उसको आप कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक।